चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले सीएसके ने 2010, 2011 और 2018 में भी आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। चारों खिताब सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई ने फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हरा दिया। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई के दोनों ओपनर ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। फैफ डु प्लेसिस के 86 रनों के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 192 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 27 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली, तो वहीं मोइन अली 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद लौट। केकेआर की ओर से सुनील नारायण ने सबसे अधिक 2 विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर के ओपनर शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर केकेआर को शानदार शुरुआत दिलाई। केकेआर को पहला झटका वेंकटेश अय्यर के रूप में लगा। वेंकटेश 32 गेंदों में 50 रन बनाकर लौटे। इसी ओवर की 6 गेंद पर शार्दुल ने नीतीश राणा को 0 के निजी स्कोर पर आउट किया। केकेआर की पारी के 12वें ओवर में जोश हेजलवुड ने सुनील नारायण को भी सस्ते में पवेलियन भेजा। इसके बाद दीपक चहर की गेंद पर सेट बल्लेबाज शुभमन गिल भी 51 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार अंतराल में एक के बाद एक विकेट खोना ही केकेआर की हार का कारण बना और इस तरह कोलकाता की टीम 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना पाई। चेन्नई के लिए गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर ने सबसे अधिक 3, तो वहीं रविंद्र जडेजा और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट अपने नाम किए और इस तरह चेन्नई ने आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया।